हेलो गाइस, अगर आपके पास रेडमी 5A डिवाइस है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं रेडमी 5A से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि रेडमी 5A में MIUI 11 का अपडेट कब तक आएगा एंड रेडमी 5A में एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड रेडमी 5 में फेस अनलॉक का अपडेट आएगा या नहीं आएगा, पोर्ट्रेट मोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फुल इन्फॉर्मेशन रेडमी 5 से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की कि रेडमी 5 में जो नेक्स्ट अपडेट्स आने वाले हैं तो क्या उनमें आपको फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि आपको रेडमी 5 में फेस अनलॉक का फीचर देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर MIUI वालों को फेस अनलॉक देना होता तो वो अभी तक दे चुके होते, बट अभी तक रेडमी 5 में फेस अनलॉक नहीं देखने को मिला है। तो चांसेस बहुत कम है कि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आएंगे तो उनमें फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो रेडमी 5 में फेस अनलॉक नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की कि रेडमी 5 में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडमी 5 में पोर्ट्रेट मोड जो नेक्स्ट अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो पोर्ट्रेट मोड का अगर आप वेट कर रहे हो तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं रेडमी 5A के MIUI 11 के अपडेट के बारे में कि रेडमी 5 में MIUI 11 का अपडेट कब तक देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडमी 5 में MIUI 11 का अपडेट इस ईयर के लास्ट में यानी कि नवंबर से दिसंबर मंथ के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रेडमी 5A को MIUI 11 के अपडेट के साथ में एंड्रॉइड पाई का फीचर देखने को मिलेगा। गाइस आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या रेडमी 5A को MIUI 11 के अपडेट के साथ में एंड्रॉइड पाई का फीचर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो MIUI वाले हैं तो वो अपने जो रेडमी सीरीज के डिवाइसेस होते हैं तो उनको एक एंड्रॉइड अपडेट देते हैं, ठीक है, जो कि रेडमी 5A को मिल चुका है। गाइस आप सभी को पता होगा कि जब रेडमी 5A लॉन्च हुआ था तब नोगट पर लॉन्च हुआ था एंड अभी एंड्रॉइड ओरियो पर रन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में चांसेस कम हैं कि रेडमी 5A को एंड्रॉइड पाई का फीचर देखने को मिले, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10% चांसेस फिर भी हैं कि रेडमी 5A को एंड्रॉइड पाई का फीचर देखने को मिलेगा, बाकी के 90% चांसेस हैं कि नहीं मिलेगा। 10% चांसेस मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा कि जो Redmi का Note 5 Pro डिवाइस है तो वो एंड्रॉइड पर लॉन्च हुआ था एंड उसके बाद उसको 2 अपडेट्स मिल चुके हैं एंड्रॉइड के। गाइस आप सभी को पता होगा एंड्रॉइड ओरियो भी उसको मिला था एंड एंड्रॉइड पाई भी उसको मिल चुका है। तो ऐसे में रेडमी 5A को भी MIUI वाले अगर चाहेंगे तो दे देंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की कि क्या रेडमी 5A में डार्क मोड का फीचर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। गाइस आप सभी को पता होगा कि अभी जितने भी रेडमी के डिवाइसेस हैं तो उनमें से बहुत सारे डिवाइसेस को डार्क मोड का फीचर मिल चुका है। तो क्या रेडमी 5A को भी फ्यूचर में डार्क मोड का फीचर मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि MIUI वालों ने केवल उन्हीं डिवाइसेस को डार्क मोड का फीचर दिया है जो कि एंड्रॉइड पाई पर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रेडमी 5A को फ्यूचर में एंड्रॉइड पाई का अपडेट MIUI वाले देते हैं तो डार्क मोड का फीचर भी आपको एंड्रॉइड पाई के अपडेट के साथ में मिल जाएगा। अगर रेडमी 5A को एंड्रॉइड पाई का फीचर मिलता है तो ही डार्क मोड मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो मन में रेडमी 5A से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।